हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ पिंक स्पेस बाय अलमास। मैंने ये न्यू फेस्टिव लुक क्रिएट करा है। फेस्टिव लुक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो चलते हैं। स्टार्ट करेंगे गार्नियर की क्लिनजिंग वाटर से हमारा फेस पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, ताकि हमारे फेस पे जो भी मेकअप पहले का जो किया हुआ है अच्छे से क्लीन हो जाए फेस। बाद हम गोल्ड वाइप्स का रोज सीरम यूज करेंगे हमारे फेस पे। शेव करेंगे हम लोग, उसके लिए लेंगे पहले ब्राउ ब्रश। उसको पहले अच्छे से ब्रश करेंगे ब्राउज को। उसके बाद मैं लूंगी मेबेलिन का जेल लाइनर, उससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं फिल करने के लिए, लेकिन एकदम फ्लैट रहना चाहिए वो। स्ट्रोक्स आपको स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे लगाना है स्टाइलिंग में, फिर आगे जाते जाते हॉरिजॉन्टल में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं इस स्टाइलिंग में। आईब्रो और अच्छे से डिफाइन हो उसके लिए हम लोग स्विस ब्यूटी के कंसीलर से इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे हमारी पूरी आईब्रोज। हमारी आईब्रो और ज़्यादा प्रिसाइज लगे के लिए हम डिफाइन करते हैं हमारी आईब्रोज। दूसरे साइड भी हम सेम तरीके से अपनी आईब्रो डिफाइन करेंगे। ब्लेंडर लेंगे जिसको मैंने थोड़ा सा वेट करके इसका वाटर निकाल दिया था, उसी से हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसे डैबिंग मोशन में इसको मूव करना है, इसे डैब डैब करके अच्छे से फैला लेना है कंसीलर को। उसके बाद मैं कलर बार का प्राइम कर लूँगी और इससे मेरा फेस प्राइम कर लूँगी मैं। ज़्यादातर नोज पोर्शंस में हमारे ओपन पोर्स को ज़्यादा खुले रहते हैं, और ये वाले सेक्शन कुछ लोग के इस सेक्शन में भी ज़्यादा ओपन पोर्स रहते हैं, तो आप जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा पोर्स हैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है। ये बहुत अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है कलर बार का। उसके बाद आपको ऑरेंज करेक्टर लेना है, मैंने स्टार्स का करेक्टर लिया है ऑरेंज कलर का, जो कि ऐसा है दिखने में, दिख रहा होगा ये बी करेक्टर लिया है मैंने। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लैकिश, कभी कभी आपकी अनइवन स्किन टोन रहती है, तो आपको वहाँ वहाँ लगा लेना है। उसके बाद मैं लूँगी मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, और मेरा शेड नंबर है 120 विच इज़ क्लासिक आइवरी की बुक। मैंने इसका एक पंप ले लिया है, अब मैं इसके फेस पे अप्लाई करूँगी। अगर आपको जितना पिगमेंट चाहिए ज़्यादा, तो आप और ज़्यादा इसको लगा सकते हैं, इससे और ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगा। ब्लेंडर लूँगी वापस से और इसको डैब डैब मूविंग मोशन में ऐसे ऐसे करके आपको फैलाना है अपने फेस पे। डैब डैब मोशन में आपको करना है ऐसा। देखिए गाइस, इसकी कितनी ज़्यादा अच्छी कवरेज है, जस्ट लाइक पूरा ब्यूटी। हमें फिर से स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी।
इस ब्यूटी का कंसीलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में आता है। मैं हर चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का नाम विद शेड नंबर आपको दे दूँगी। मैं पहले आई मेकअप करके फिर बेस लगाता है। मैं कभी कभी पहले आई मेकअप लगाती हूँ, कभी कभी बाद में। आज मैंने पहले मेरा बेस सेट कर लिया अच्छे से, उसके बाद में आई मेकअप करूँगी। उसके बाद हम कॉन्टोर करेंगे हमारे फेस से। मैंने लोकल मार्केट से ये पैलेट परचेज की थी। आप कोई भी पैलेट से अपना फेस कॉन्टोर कर सकते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक कॉन्टोर करना रहता है। अच्छे से मैं साथ ही साथ इसको ब्लेंड भी करती रहूँगी। सेम जॉ लाइन में भी कॉन्टोर करूंगी इस साइड। अब मैं ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर लेके अपने फेस को बेक करूंगी। मैं कैसे पॉइंटेड ब्रश से अपनी आई बेक कर रही हूँ, नीचे भी अंडर आई। कंसीलर लगाऊंगी मेरे आईज पे, सबसे लाइटेस्ट शेड लगाऊंगी ताकि हमारे आई शेड में जो भी पिगमेंट है वो अच्छे से उभर कर आए। हम लूज पाउडर से हमारे आईज को सेट कर लेंगे अच्छे से। आई शेडो लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एसे पार का ये वाला पैलेट। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। फाउंडेशन कलर को अच्छे से बिल्ड करेंगे हम क्रीज लाइन के ऊपर। ऐसे बाकी पैलेट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड रहते हैं, अगर आपको ट्राई करना है तब ट्राई कर सकते हैं। कर्व एंड लैशेस पे भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं ऐसे बाकी पैलेट पे। हमारा ट्रांजिशन कलर अभी बिल्ड हो चुका है। अभी हम उससे थोड़ा डार्क कलर लेंगे, जो मैं ये कलर यूज़ करूँगी अभी, ये वाला, उसके थोड़ा नीचे। हमेशा हमें पहले हमारी आई शेडो को लाइट कलर से ही बिल्ड करना पड़ता है। ऐसे पर के पैलेट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल भी पाउडरी फॉर्म नहीं है। आप देख सकते हैं अभी तक तो नहीं गिरा है ये कोई भी कलर। आज हम कट क्रीज बनाने वाले हैं अपनी आईज पे।
मैं वापस से स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूंगी, इससे मैं मेरी कट ट्रीज ड्रॉ करूंगी। मैंने इस पैलेट से ये ब्लैक कलर पिक किया है। ये स्पार्कल आई शेडो है, मेरा शेड नंबर है 01। इसको मैं मिडल में लगाऊंगी, मिडल ऑफ द आईलिड। हम वही शेड लेंगे जो हमने ऊपर लगाया था। हम स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लेंगे ये वाला, और उससे हमारा ब्रो बोन हम हाईलाइट करेंगे ये वाला पार्ट, ताकि हमारी आईब्रो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो। मेरी फॉल्सीज अप्लाई कर ली है, अब मैं मस्कारा लेके मेरी आईज को अच्छे से कर्ल करूँगी, मेरे लैशेस को वो लेवल लैश लाइन पे लगाऊंगी मैं इसको। पेंसिल लूंगी और मेरे वाटर लाइन में लगाऊंगी इसको। मैंने पिंक कलर लिया है ये वाला, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लूंगी। देख रहे हो स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर की शीन कितना ज्यादा हाइलाइटेड है, हमारे फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है ये। सुपर स्टे मैट इंक लूंगी, ये रेड शेड लूंगी मेरे लिपस्टिक के लिए एज अ लिपस्टिक शेड। जैसे हमारी आईज बचा के हमें स्प्रे करना, ताकि हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्लोई मैटिफाई लुक आया है। मेरा आई शेडो भी देख सकते हैं आप। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द थम्स अप बटन। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब।